नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं RCB टीम के फ्यूचर कैप्टेंसी ऑप्शंस के बारे में कि कौन हो सकते हैं उनके पांच फ्यूचर कैप्टेंसी ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों अब फाफ डुप्लेसिस इस समय RCB कप्तान है और ज़्यादा सालों तक वो कप्तानी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि एक साल और या फिर दो साल कप्तानी कर लेंगे, उसके बाद उनकी भी एज हुई है, तो ऐसे में उनको भी हो सकता है कि कप्तानी छोड़नी पड़े और शायद रिटायरमेंट भी लेना पड़े, क्योंकि फॉर्म के ऊपर रहता है पूरा। और IPL में आपको हीरो से जीरो बनने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे विकल्प कौन से हैं जिनको RCB को अभी से तैयार करना होगा कैप्टेंसी ऑप्शन के रूप में, क्योंकि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है और वो कप्तान नहीं बनने वाले हैं। और तो ऐसे में कौन से वो पांच खिलाड़ी हैं उनको, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बोला है, हम टेलीग्राम पर जो है वो ऑक्शन को कवर करने वाले हैं। लाइव टेलीकास्ट का लिंक मिलेगा, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑक्शन की पल पल की अपडेट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं RCB के कैप्टेंसी फ्यूचर कैप्टेंसी ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों नंबर पाँच पर हमने रखा है सैम करन को। भैया इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर हैं और इस समय इनके ऊपर भाव बढ़े हुए हैं क्योंकि ऑक्शन पूल में है और कम से कम मान लीजिए कि आप 12 से 15 करोड़ में ये बिकने वाले हैं सैम करन। इनके ऊपर बिडिंग वॉर होने वाली है और तो ये नीलामी में करोड़पति बनेंगे। लेकिन दोस्तों आने वाला टाइम, मतलब फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा टाइम आए कि इनको वापस से ऑक्शन पूल में ये आए और वो मेगा ऑक्शन का साल हो या फिर RCB के पास में पैसे हो, तो इनको ज़रूर से इनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये अभी युवा खिलाड़ी हैं और ये कैप्टेंसी मटेरियल है, मतलब कैप्टेंसी ये कर सकते हैं, तो इनको शामिल करना चाहिए। हालांकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज़्यादा कैप्टेंसी का, लेकिन धीरे धीरे भैया मतलब मेहनत करके ही तो कोई सक्सेसफुल आदमी बनता है। तो ऐसे में ये एक ऑप्शन हो सकता है। नंबर चार पर दोस्तों हमने रखा है डिवाल्ड ब्रेविस को। साउथ अफ्रीका के दोस्तों बेबी एबी इनको बोला जाता है, जिस तरह से दोस्तों RCB ने एबी डिविलियर्स को 2011 में शामिल किया था और उसके बाद में वो एक परमानेंट मेंबर बन गए थे, उसी हिसाब से अगर ये डिवाल्ड ब्रेविस इस समय मुंबई इंडियंस में है और मान लीजिए कि अगर ये ऑक्शन पूल में आते हैं, इनको ज़रूर से टारगेट करना चाहिए RCB, क्योंकि दोस्तों अभी ये युवा हैं लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है कि ये कैप्टेंसी मटेरियल बन जाएं। इसके बाद दोस्तों नंबर तीन पर हमने रखा है जॉनी बेस्टो को। दोस्तों इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं और ऐसे में दोस्तों काफ़ी शानदार खतरनाक बल्लेबाज हैं, इस समय पंजाब की टीम में है। लेकिन दोस्तों अगर मेगा ऑक्शन में कहीं ये रिलीज़ होते हैं ना, तो इनको ज़रूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मतलब सालों तक ये भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मतलब नेक्स्ट कैप्टन तो बन ही सकते हैं, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि इनके पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-4 साल 5 साल और खेलेंगे, उसके बाद में ये भी इनकी भी एज हो जाएगी, तो ऐसे में दोस्तों इनको करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों नंबर दो पर नाम आता है मयंक अग्रवाल का। दोस्तों मयंक अग्रवाल भी कैप्टेंसी कैंडिडेट हो सकते हैं और मेगा ऑक्शन में अगर वो रिलीज़ होते हैं तो इनको भी RCB को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इंडियन प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छी कप्तान। हालांकि दोस्तों उतनी सक्सेस इनको मिली नहीं है कप्तान के तौर पर, लेकिन फिर भी इनको कप्तानी के लिए चुन सकती है RCB। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके बाद दोस्तों नंबर एक पर हमने रखा है रजत पाटीदार को, जो कि मेरे हिसाब से 95% चांसेस हैं इनके कप्तान बनने के, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टैलेंटेड युवा प्लेयर हैं और बैटिंग अच्छी करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इनको अभी से RCB को ग्रूम करना चाहिए एक कप्तान के विकल्प के तौर पर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे कप्तान बन सकते हैं। इनका सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जो है वो शानदार गया है, तो ऐसे में दोस्तों रजत पाटीदार मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पर होंगे, फर्स्ट चॉइस होंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।